करवा चौथ का पर्व है और ये पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। देश ही नहीं प्रदेश में भी पूरे धूमधाम से महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार के साथ सजधज कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए उनके लिए व्रत रखती हैं। तो आज हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उन्होंने ये त्यौहार किस तरह से मनाने का जो मना रही है, किस तरह से वो मना रही है, किस तरह से आगे की तैयारियां हैं उनकी, तो आज हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आप? साक्षी। साक्षी, किस तरह से इस बार आप करवा चौथ मना रही? वैसे तो हर बार अच्छा बनाते हैं हम लोग, अपना पहले ही तैयारियां होती हैं, मगर हर बार ये रहता है कि कुछ अच्छे करेंगे और कुछ हस्बैंड मतलब खुश रहें, किसी तरह भी रहें। हम लोग लंबी दुआएं तो उनकी वैसे ही करते हैं और तैयारियां बहुत हैं। पहले ये बताइए कि इस बार क्या कुछ अलग स्पेशल तैयारी की थी, कुछ अलग खरीदा था? बहुत तैयारियां तो 2 महीने पहले से ही चालू हो जाती हैं हम लोग की, और सोचते हैं कि क्या पहनेंगे, हर बार लहंगा और ये सब एंड ऑल, मतलब कुछ जो हस्बैंड को पसंद होता है हम लोग कोशिश करते हैं कि वैसा ही दिखना पसंद करें, और उन्होंने बोला कि जैसा तैयार होना है, जैसा रहना है, वैसे ही हमने अपने आप को रेडी किया है उनकी खुशी के लिए, क्योंकि वो खुश तो हम खुश। क्या नाम है? पूजा। पूजा, किस तरह से इस बार त्योहार आप मना रही हैं, क्योंकि करवा चौथ हर साल आता है, इस बार आपका कौन सा साल है करवा चौथ मनाने? 6th ईयर है मेरा। 6th जी। क्या कुछ स्पेशल लग रहा है इस बार? इस बार स्पेशल, एक तो मैंने जो अपनी थाली का कवर डिजाइन किया है जिसपे मैंने अपने हस्बैंड का नेम और अपना नेम लिखा है, ये कुछ स्पेशल है। तरह से इनकी थाल जो है, पूजा की थाल, उस पे इन्होंने अपने पति का नाम और अपना नाम भी लिखवाया हुआ है बकायदा। क्या लगता है इस बार कुछ स्पेशल, मतलब कुछ उम्मीद अभी से क्या जग रही है कि कुछ स्पेशल गिफ्ट? हर बार स्पेशल मिलता है तो इस बार भी उम्मीद है कि स्पेशल ही मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो? मिलेगा, पक्का है। डैम श्योर, पक्का। क्या नाम है? रानी। रानी, किस तरह से इस बार का जो है करवा चौथ आप मना रहे हैं? जी, बहुत अच्छे से मना रहे हैं। इस बार मेरा 20th है, 20 करवा चौथ है, और मेरी एनिवर्सरी भी है, तो हम लोग मिल के सेलिब्रेट कर रहे हैं बोथ, हर चीज़। एनिवर्सरी, और किस तरह से एनिवर्सरी तो आज है ही, स्पेशल मोमेंट है, और उसके साथ पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू, ठीक है? और उसके साथ साथ क्या लगता है कि 2 गिफ्ट मिलेंगे या फिर सिर्फ एक ही में काम चल जाएगा? नहीं नहीं 2 गिफ्ट मिलेंगे, बाहर डिनर मिलेगा, बहुत कुछ होगा, सब मिल के इन्जॉय करेंगे। क्या नाम है आप? रूही। रूही, किस तरह से मना रहे हो आज? जैसे हर साल मनाते हैं उसी तरीके से, उसी ही शाही से मनाया जा रहा है, हर बार की तरह अच्छा लग रहा है कि त्यौहारों के ड्रेसअप होके आए हम लोग, आके सबसे मिले, थाली बरताएं सबसे मिले, हर बार ही होता है। इस बार कुछ नहीं है? इस बार क्या, सेम करवा चौथ में स्पेशल क्या, हस्बैंड जो अच्छे से अच्छा गिफ्ट दे वो स्पेशल हो गया। कैसे गिफ्ट की, कौन सा गिफ्ट चाहती हैं जो हस्बैंड आपको दे? सबसे बड़ा गिफ्ट तो मुझे लगता है हस्बैंड का प्यार ही होता है। अच्छा, मेहंदी लगाई है कि नहीं पहले ये बताइए? हस्बैंड का नाम लिखवाया है? वो नहीं लिखवाया इस बार। हर बार लिखवाती थी? हर बार लिखवाती थी। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, किस तरह से इस बार का जो त्योहार है वो आप लोग मना रहे हो, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ आप लोग स्पेशल ही करते हो। मेहंदी पहले तो दिखाइए, मेहंदी लगाई है कि नहीं? मेहंदी लगाई है, वो तो लगाएंगे हमेशा की तरह, इस बार भी लाइट होगी, ये 2 दिन पहले लगाई थी। 2 दिन पहले मेहंदी लगाई थी लेकिन लाइट हो गई। अच्छा, ये बताइए कि इस बार पूजा की थाल में कुछ अलग है या फिर हमेशा की तरह सेम? नहीं, मेरी ये पूजा की थाल हम लोग अपनी मदर इन लॉ को देते हैं रात को पूजा करने के बाद, तो उनके लिए उनकी फेवरेट चीज़ें या उनको जो पसंद होगा, या पूजा करके मठरी और ये सब चीज़ें रखते हैं, उनको चॉकलेट या जेम्स पसंद है, तो वो सब चीज़ें इंक्लूड करी हैं इस बार। अच्छा, ये बताइए कि पूरा दिन ही व्रत रहना होता है इसमें या फिर कुछ खा लेना होता है रात? नहीं नहीं, रात को सुबह हम लोग सरगी खाते हैं 4 बजे उठ के, जो मदर इन लॉ की तरफ से ही होती है सरगी, उसके बाद से हम लोग रात को चांद देखने पर ही फिर खाते हैं। क्या नाम है आप? सुरजीत। सुरजीत, किस तरह से आप मना रहे हो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके कलश में बकायदा दिया वगैरह एकदम अच्छे से जल रहा है, तो ऐसे ही आपके जीवन में भी खुशियाँ और रोशनी होती रहे, किस तरह से इस बार मना रहे हो? आई एम वेरी हैप्पी विद दिस फेस्टिवल। मुझे इस फेस्टिवल का बहुत ही मतलब इंतज़ार इतना रहता है, क्योंकि इसके लिए मैं नई ड्रेसेस लेना और ज्वेलरी लेना हस्बैंड के पीछे पड़ के, कम से कम 15 डेज से मेरी प्रिपरेशन चल रही है। लंबी प्रिपरेशन है। यस, क्योंकि सूट लेना, उसको सिलवाना, ऑल द थिंग्स आर टू बी डन विद अ डेज, मेनी डेज, और आई एम वेरी लकी टू हैव अ दिस हस्बैंड बिकॉज ही मेक्स द मेहंदी इन माई हैंड ऑल्सो।
देखिए किस तरह से इनके हस्बैंड ने इनके हाथों में खुद मेहंदी लगाई है, क्योंकि ये जो त्यौहार है ना वो महिलाओं की, जो महिलाएं रहती हैं वो अपने पति के प्यार को पाने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए, कहीं ना कहीं उनकी लंबी उम्र के लिए रहती हैं। और यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से त्यौहार को मनाया। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पतियों ने भी उनके लिए व्रत रखा? मैं भी होंगी, बिल्कुल 50% तो होंगे ही, 40-50 होंगे। आपके हस्बैंड ने रखा? नहीं, हमारे हस्बैंड ने नहीं रखा है, जो बात सच है। लेकिन किसके हस्बैंड ने? कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये है कि इस समय वो घर पे, जैसे मेरा बेटा है तो उसकी केयर कर रहे, कि रुके हुए हैं, मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, और रात में जैसे मैंने मेहंदी लगाई है तो मेरे इस लेफ्ट हैंड से मैं राइट हैंड में नहीं लगा सकती, तो उन्होंने मेरी हेल्प की, और हर चीज़ में मुझे मार्केट लेके जाना सब मेरी हेल्प की है, तो आई एम वेरी लकी टू हैव दिस हस्बैंड। किसके किसके हस्बैंड ने, पहले जो मैंने सवाल किया कि किसके किसके हस्बैंड्स ने यहाँ पर व्रत रखा है? मेरे हस्बैंड ने रखा है, हर साल रखते हैं। वाओ, देखिए ये बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि महिलाएं तो पूरा दिन बिना पानी के ही गुजार देती हैं एक पति की लंबी उम्र के लिए, और जब पति भी उनके लिए व्रत रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक सरप्राइज से बहुत बड़ा होता है, गिफ्ट से भी स्पेशल होता है। जिनके हस्बैंड ने रखते हैं? नहीं नहीं रखते। अच्छा कैमरे के सामने सभी बोल दीजिए सबको हैप्पी करवा चौथ। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से महिलाएं खुश हैं, महिलाओं की जो खुशी है वो देखने लायक आज बन रही है, पतियों की लंबी उम्र के लिए आज वो सुबह से ही बिना पानी के व्रत रखी हुई हैं। जब पति आएगा तो उससे एक छोटे से तोहफे का इंतजार है, कहीं ना कहीं वो तोहफा प्यार का भी हो सकता है, वो तोहफा कुछ अलग भी हो सकता है, कुछ सरप्राइज भी हो सकता है। फिलहाल कैमरा पर्सन नफीस के साथ मैं श्रुति शुक्ला, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।